तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 2-in-1 स्वीट रेसिपी जो कि मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज से पहले इस रेसिपी को आपने ना ही तो देखा होगा, ना कभी बनाया होगा और ना खाया होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसकी रेसिपी देखने के बाद अपने आप को बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। इसे हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सेकेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें इसका, बस हल्का हल्का सा ये सिक जाए इतना ही। तो ये देखिए, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम डाल देंगे 1.5 कप मैंगो पल्प। मैं ये मेजरिंग कप से मेज़र कर रही हूँ, आप कोई कटोरी सेट कर लीजिए जिससे आप नाप करके सारी चीज़ें डाल सकें। इस मैंगो पल्प को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। वैसे तो आप इस मिठाई को एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास में नॉन स्टिक पैन है तो नॉन स्टिक पैन में बनाइए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि आम पहले ही मीठा होता है। अगर आप बिल्कुल लाइट मीठा खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर इसमें पहले भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये जो मैंगो पल्प है ये गर्म है और इसमें इसकी गुठलियाँ बन जाएगी, तो आप पहले ही मैंगो के पल्प में ये मिल्क पाउडर मिक्स कर लीजिए। लेकिन जब इस तरह से हम इसे दबाते हुए कंटिन्यू चलाते हैं तो इस मिल्क पाउडर की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर थोड़ी बहुत गुठली रह भी जाती है तो वो कलाकंद के जैसा टेस्ट देती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इस मिठाई को बनाने में, बस 1 बड़ा चम्मच घी का काफ़ी है। और आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, फ्लेम मैंने इस समय पर लो ही रखा है। और अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा जो हमने ऑलरेडी सेक कर रखा हुआ है। तो ये नारियल का बुरादा हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे कंटिन्यू चलाएंगे। जैसे ही हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी हमें इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये हमें चाहिए क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं, तो इजीली इसके लड्डू बनने में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा और ऐड कर सकते हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं 1 प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और इसी पैन में अब हम ले लेंगे 1/4 कप दूध। फ्लेम को अभी हमने ऑफ कर रखा है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उससे 1/2 दूध और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। थोड़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे, जिससे क्या है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप नारियल का बुरादा, मीन्स 1 कप का तीसरा हिस्सा। ये जो नारियल का बुरादा है ये हमने बिना सिका हुआ लिया है। लगातार चलाते रहेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। आपने देखा कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं होती। 1 से 2 मिनट में ही इसकी मावे जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है किसी भी किराना की शॉप पर। फ्लेम हम इस समय पर लो रखेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। आपको लगता है कि अच्छे से मिक्स होने में नहीं आ रहा है तो आप 1 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन जब आप इस तरह से इसे मिक्स करेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोल हो रहा है, बस अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे।
और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये जो हमने चॉकलेट की फिलिंग तैयार की है इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए इजीली इसकी बॉल बनने में आ रही है। तो एक बॉल और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये सभी चॉकलेट बॉल्स हमारी तैयार हैं और अब हम देखते हैं ये लड्डू वाला मिश्रण। तो इसका हम बना लेते हैं एक छोटा सा पेड़ा। इसके बीच में हम रखेंगे ये चॉकलेट बॉल और इसे लड्डू की शेप देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं। इस तरह से इजीली हम इसका लड्डू बना लेंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसान सी रेसिपी है। आम का सीजन चल रहा है, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको। और ये लीजिए हमारा 2-in-1 मैंगो चॉकलेट लड्डू तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। मैं एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये लड्डू इजीली बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। सभी लड्डू हमने बना लिए हैं। अब हम लेते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर एक प्लेट में और इन लड्डुओं को हल्का हल्का सा मिल्क पाउडर से कोट करेंगे, जिससे इनके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस आम के सीज़न इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं या फिर जब मीठा खाने का मन हो आप इन्हें बना सकते हैं। आप सिंपल मैंगो लड्डू भी बना सकते हैं बिना चॉकलेट की फिलिंग के। तो ये सभी लड्डुओं को मैंने कोट कर लिया था और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए मैं आपको एक लड्डू काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ये देखिए लग रहा है ना एकदम यमी। तो जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को।